हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BMS प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, जिनके बच्चों के मार्क्स कम हैं, ठीक है, और उनको बजट का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या कैसे चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो इस वीडियो में आज हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि कम से कम मार्क्स में और अच्छे से अच्छा कॉलेज, वो भी कम बजट में, आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, ठीक है, सो आपको बता देता हूँ मैं, जो हमारा चैनल है उसके ऊपर आपको एडमिशन प्रोसेसेस, काउंसलिंग की न्यूज, लो बजट कॉलेज कौन कौन से हैं, और इसके अलावा आप वीडियो लेक्चर नोट्स, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर आपको चैनल पर मिल जाएगा। मेड को जिनको नहीं पता है, मैं खुद भी BMS कर रहा हूँ, तो आपको वही चीज़ सजेस्ट करूँगा जो आपके लिए अच्छी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको BMS कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है वो हमारा 8532059749। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट पर हमारी जाकर विजिट कर सकते हैं bmsmedico.com। देन टेलीग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए, bmsmedicoofficial। देन इसके अलावा जो भी बच्चों की क्वेरीज होती है, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ सर फिल, जो फ्री हमारा गाइडेंस फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब आते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2023 में आपके कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए हमारा 137, OBC SC ST के लिए गया है 107, ठीक है। सो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हमें 107 नंबर, 137 नंबर तक, इवन जिनके 250 और 300 के आसपास हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि हमें इतने नंबर पे एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है और क्या हमें लो बजट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम आज आपकी कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनके लो मार्क्स हैं, ठीक है, इस क्राइटेरिया के अंदर जितने मार्क्स हैं, क्या उनको कॉलेज कहाँ कहाँ मिल सकता है, ठीक है। सो आपको कॉलेज देखिए, जो भी लो मार्क्स हैं, आपको UP में मिल सकता है, उत्तराखंड में मिल सकता है, इसके अलावा आपको पंजाब में मिल सकता है, हरियाणा में मिल सकता है, ठीक है, MP में, इसके अलावा भी कॉलेज आपको मिल सकता है। सो अब जो बात करते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की, तो देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए एटलीस्ट आपके पास 300 नंबर तक होने चाहिए, अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं तो, ठीक है, 300 प्लस नंबर आपको चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि वहाँ पर डोनेशन बहुत सारे कॉलेजेस मांगते हैं, जिसमें आपका जो पैकेजेस हैं वो आपको करीबन मान के चलिए आप 25 से 30 लाख के बीच में पड़ जाता है, ठीक है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर महाराष्ट्र वाले जितने बच्चे देख रहे हैं, तो अदर कॉलेजेस में और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं अदर स्टेट में, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं, कम फीस में आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। सो हम बात कर लेते हैं सेकंड की हमारी फ़ीस क्या रहेगी। तो देखिए जो हमारी मिनिमम फीस रहती है वो हमारी 2 लाख पर ईयर रहती है, ठीक है, 2 लाख पर ईयर से लेकर आपकी जो मैक्सिमम जा सकती है आपकी 3 से 4 लाख पर ईयर के बीच में हो सकता है। वो हमने नॉर्मल कॉलेज की बात करी, उत्तराखंड, UP, पंजाब, हरियाणा साइड की। देन अगर आप महाराष्ट्र साइड में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा महंगा हो जाता है, यहीं पर आपकी 4-4, 4.5-5 लाख फीस पर ईयर जाती है, ठीक है। सो 2 लाख से हमारी मिनिमम फीस रहेगी, उसके अलावा हमारी जो मैक्सिमम जा सकती है 3 से 4 लाख पर ईयर के बीच में जा सकती है। इसके अलावा आपको हॉस्टल का चार्ज जो है अलग से देना पड़ेगा, जो कि एवरेजन मान के चलिए आप 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में रहता है, ठीक है। देन अच्छे कॉलेज के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, तो देखो आपको अच्छे कॉलेज के लिए केवल आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, ठीक है, और जो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके रैंक हैं, तो उसके लिए आपको पता है कि एटलीस्ट 300 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। पर ऐसा नहीं है जिनके 300 प्लस मार्क्स नहीं है तो उनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है, ये सब फेक न्यूज है, ठीक है, फालतू की बात है, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा जो आप अपने एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छे कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखिए जो ये लो बजट वाला कॉलेजेस हैं, ठीक है, या फिर जो लो फीस वाले कॉलेज हैं, उनमें किन किन बच्चे जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, किस किस स्टेट के, तो आपका UP, ठीक है, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, एनी स्टेट में, किसी भी स्टेट से हैं या इन स्टेट में से आप कोई भी स्टेट से हैं, तो आप जो है लो मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं और आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आपको BMS प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, 107 जिनके 250-300 मार्क हैं, वो प्रॉब्लम है बजट का उनके, ठीक है, फीस नहीं हो पा रही है हैंडल, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए अपने जो कॉलेज हैं स्टेट के, जिस स्टेट में आप हैं, ठीक है, उसके अलावा जिस स्टेट के बच्चे आप हैं उसमें पहले अपने स्टेट के कॉलेज में आप क्वेरी करिए, ठीक है। अगर वो क्वेरी आपको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हम ऑलरेडी सब चीज़ें पता करके रखते हैं बच्चे के लिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप हमसे क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जिन बच्चों का स्टेट में अगर नहीं हो पा रहा है कन्फ्यूजन दूर, तो अदर स्टेट में ओपन स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओपन स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और वो कौन कौन से स्टेट हैं जो ओपन, चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर करीबन 60-70-72 कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है और अच्छे कॉलेजेस भी यहाँ पर हैं, कम बजट में भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएंगे। देन हमारा उत्तराखंड आता है, यहाँ से 12-15 कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा बिहार हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो यहाँ पर जिन बच्चों के मार्क्स कम है, अच्छे रिजल्ट देख रहे हैं, पहले अपने स्टेट में ट्राई करें। अगर मान लीजिए वहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, देन आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज होती है कोई भी कॉलेज के बारे में, या फिर कैसे क्या एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे क्या अमाउंट कटता है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको इसी में दिख जाएगा, ठीक है। आप हमसे जुड़िए, हम आपको पूरा गाइडेंस करेंगे, यहाँ तक कि आपके डॉक्टर बनने तक आपके साथ रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल पैकेज की, कि हमारा क्या टोटल पैकेज रहता है, ठीक है। सो करीबन हमारा जो टोटल पैकेज रहता है वो आप मान के चलिए मिनिमम जो हमारा रहता है 10-12 लाख, ठीक है, और जो मैक्सिमम आपका जा सकता है वो आपका 25-30 लाख के अप्रोक्स जा सकता है, ठीक है। 25-30 लाख के अप्रोक्स जो है मैक्सिमम पैकेज जा सकता है। कहाँ कहाँ पर? अपने जहाँ पर डोनेशन लगता है, महाराष्ट्र साइड जहाँ पर डोनेशन वगैरह लग के जो आपका जो पैकेज होता है हॉस्टल वोस्टल बनाकर आपका 30 लाख के अप्रोक्स हो जाता है। पर जो आपका एक मिनिमम एवरेज अगर हम पैकेज की बात करें तो आपको करीबन 10-12 लाख के अंडर पूरा चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। 12-13 लाख भी हो सकता है, तो 10-13 लाख एक एवरेज फीस है BMS के लिए, अगर आप BMS का सोच रहे हैं। इसके अलावा एक बेनिफिट और है कि अगर बच्चों की स्कॉलरशिप आ जाती है, जैसे कि वो पता है कि अगर SC कैटेगरी का बच्चा है तो उसकी मोस्ट ऑफ द 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक स्कॉलरशिप आ जाती है अगर गवर्नमेंट देती है तो। वहीं अगर OBC की बात करी जाए तो करीबन 60-70 हज़ार तक स्कॉलरशिप आती है। देन अगर जनरल की बात करी जाए तो यहाँ पर 40-50 हज़ार तक स्कॉलरशिप उसको मिलती है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि जो हमारे लो बजट के कॉलेजेस हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। UP हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर आपको लो बजट के कॉलेज मिल जाएंगे। MP हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है। वहीं अगर हम थोड़ा महंगा अगर लेके चलते हैं, ठीक है, 15-20 लाख, 25 लाख, तो आपको उत्तराखंड में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस हाई है, अच्छे कॉलेजेस हैं। देन हमारा कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके लो मार्क्स हैं तो करीबन आपको 25-30 लाख का पैकेज पड़ेगा डोनेशन को मिलाकर, ठीक है। सो अब लो बजट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं उनकी जानकारी अगर आपको चाहिए, ठीक है, इंक्वायरी करनी है, तो आप हमें नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नंबर आपको दिख जाएगा 8532059749, ठीक है। तो हमारा नंबर है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप जो भी क्वेरीज हो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि जो भी कमेंट है उसका मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ, ठीक है। या आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो कॉलेज होते हैं उनमें लो फीस नहीं होता है, ठीक है, सभी कॉलेज में जो लो फीस नहीं होता है, पर हम बच्चे की काउंसलिंग करवा कर जो उसकी कम करवा देते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है 2.5-3 लाख रुपए, ठीक है, 2-2.5 लाख रुपए, तो हम उसकी कम करवा देते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे थ्रू आप जुड़िए, हम आपकी फ़ीस जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है उससे भी कम करवा के दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट्स होता है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, कमेंट और हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये एक पूरी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग और आसान सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक के बारे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।